भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे जिला संगठन प्रभारी पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली और जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जिला संगठन प्रभारी रामस्वरूप कोहली ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन को जारी रखेंगे, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 प्रतिवर्ष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किए गए संकल्प पत्र की लाभकारी योजनाओं का वर्णन भी किया गया। प्रेस वार्ता में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और चुनाव प्रभारी धन सिंह रावत, भरतपुर संभाग मीडिया सह प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला मीडिया सेंटर संयोजक धीर सिंह जादौन आदि लोग मौजूद रहे। जो हमारा संकल्प यात्रा का रथ जो चल रहा था और सभी जनता की आवाज़ सुनी और सभी ने एक पत्रक में जो संकल्प के बारे में कहा कि ये संकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना चाहिए। पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बहनें जो कहती थी कि हमारे रसोई का खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, उसको देखते हुए हमारे बहनों को राहत पहुँचाने के लिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रतिमाह मिलेगा, जबकि कांग्रेस ने अभी लास्ट 5 साल के 1 महीने पहले उसको 500 रुपये किया था। हमने पहले सरकार बनते ही, सरकार की शपथ लेते ही हम 450 रुपये में बहनों को सिलेंडर देंगे। दूसरा, हमारी जो बहनें हाई सेकेंडरी पास करेंगी 12वीं कक्षा, उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। और हमारी जो परिवार में लाडली बेटी जन्म लेगी, उसको 2 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके FD करेगी, और जब 21 वर्ष की होगी तो जब उसकी FD खोलेगी उसकी शादी के अनुसार। दूसरा, मेरा अभी जो हमारे गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों के लिए ड्रेस के लिए, बैग के लिए कम से कम 1,02,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये, 1,200 रुपये साल, 1,200 रुपये महीने, प्रति महीने उनकी ड्रेस को दिया जाएगा। दूसरा, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी जो हमारी बहनें कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को फ्री किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प किया है, जो संकल्प पत्र में घोषणाएं की हैं, वो संकल्प पत्र पूरी होंगी। और कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा की थी वो थोती रही, उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। जो घोषणा पत्र आपके सामने विदित है और आपके सामने हमने आपको प्रति भी दी है, उस प्रति को हम 5 साल में पूरा करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो उद्घाटन भी वही करते हैं, भूमि पूजन भी वही करते हैं और उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाली सरकार में जो हमारा घोषणा पत्र जारी किया है, उससे हमारी जनता को, गरीबों को, किसानों को बहुत लाभ मिला है। और एक हमारे किसानों को जो 6,000 रुपये की राशि मिलती थी, उसको 12,000 रुपये की राशि की है, जो किसानों को राहत में बहुत किसान सम्मान निधि वाली किसान सम्मान। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने गरीब लोगों को अभी तक कुछ आवास में कमी हुई, आवास नहीं मिल पाया, उसमें राज्य सरकार द्वारा उनको आवास भी दिए जाएंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, गरीब आदमी बिना आवास के नहीं रहे, अपने मकान में रहे। दूसरा, जल मिशन के आधार पर हर घर को पानी की व्यवस्था की है, हर घर को पानी जाएगा। और जो पानी की जो समस्या थी, यहाँ से चंबल लिफ्ट परियोजना जो हमारी सरकार थी उसने चालू की और कांग्रेस सरकार ने उसमें सहयोग नहीं किया, उसके कारण हमारे लोगों को पानी नहीं मिल पाया। हमारी सरकार आते ही चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए और पानी पीने के लिए इस योजना का आयोजन किया जाएगा। जो भर्तियों में जो पर्चे लीक हुए हैं, उस पेपर लीक की हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे,
उसकी जांच करा करके दोषियों को सजा दिलवाएंगे। ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा क्योंकि रोजगार बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उसके साथ ही जो हमारी महिलाओं की सुरक्षा की बात है उसके लिए हम एंटी रोमियो स्क्वाड, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बनती है तो हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और जो मनचले युवक हमारी माताओं और बहनों को परेशान करती हैं उससे निजात मिलेगी और महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी।